नवरात्र खत्म होते ही बिहार में ठंड की शुरुआत हो गई है। रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है और आने वाले दिनों में राज्य का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, यानी बारिश नहीं होगी। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर रहेगी और इस दौरान तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही सुबह के समय कुछ जिलों में 4 बजे से 6 बजे तक हल्का कोहरा छा सकता है। खासकर उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में धुंध की संभावना है। वायु प्रदूषण से स्थिति खराब। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हवा में नमी बढ़ने के कारण धूल कणों की मात्रा भी बढ़ गई है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना का AQI 244 दर्ज किया गया है, जबकि हाजीपुर का AQI 275 रहा है, जो कि काफी खराब माना जाता है। इस स्तर की हवा में सांस लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। मौसम में बदलाव से स्वास्थ्य समस्याएं। मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो रही है। सर्द गर्म के कारण वायरल फीवर, सर्दी और खांसी जैसे लक्षण घर घर में दिख रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के दवाई ना लें। दवा दुकानदारों का कहना है कि एलर्जी और एंटीबायोटिक दवाओं की मांग में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इस मौसम में खासकर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी बीमारी में ना बदल जाए। कहां कितना रहा न्यूनतम तापमान? राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान अलग अलग रहा। रोहतास का न्यूनतम तापमान सबसे कम 21 डिग्री रहा, तो वहीं पटना में न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रहा। भोजपुर में 24 डिग्री, छपरा में 22.2 डिग्री, मुजफ्फरपुर में 24.4 डिग्री, मोतिहारी में 21.02 डिग्री, बक्सर में 22.7 डिग्री, जमुई में 23 डिग्री, बांका में 23 डिग्री, भागलपुर में 25.8 डिग्री, सुपौल में 23.6 डिग्री, कटिहार में 24.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं इस बदलते मौसम के कारण आने वाले दिनों में लोगों को और भी सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर रात और सुबह के समय।